नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मेला यानी कि सोनपुर मेले में इस वक्त हम मौजूद है। वेब समाचार की टीम आज पहुंची है सोनपुर मेले में। पहले आपको हम चारों तरफ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चारों तरफ जो चौपाल है यानी कि घोड़े का जो अस्तबल है वो बन के तैयार हो चुका है और व्यापारी पूरे देश भर से यहाँ व्यापारी आए हैं और लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं और घोड़े का रेस भी हो रहा है यहाँ पे। कई तरह के नस्ल के जो घोड़े हैं वो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से इस घोड़े को आप देखिए, कितना चमकदार है और काफ़ी कट काठी काफ़ी अच्छा है। हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे। देखिए, पीछे तस्वीरों में घोड़े का रेस शुरू हो गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा घोड़ा, काफ़ी हट्टा खट्टा घोड़ा और जो घोड़े का रेस, एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन होता है। घोड़े के बारे में, घोड़े का जो गति है कितना है वो सब दिखाया जाता है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। कौन से नस्ल का घोड़ा है ये? बलोतरा। ये कहाँ पाया जाता है? खगड़िया में। बिहारी घोड़ा है ये? बिहारी घोड़ा है। अच्छा, खगड़िया में नस्ल का। अच्छा, कितना गति है इसका? इसका 36-37 चलता है। 36-37। हाँ। उम्र क्या हुई है? उम्र 5 साल। 5 साल उम्र हुआ। 5 साल उम्र है तब भी 40 साल के? हाँ। 40 के स्पीड से? हाँ हाँ, दौड़ता है। तो अभी रेस लगा रहे हैं? हाँ हाँ, रेस लगा दे। चलिए देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से ये गति प्रदर्शन कर रहे हैं अपने घोड़े का। काफी अच्छा खासा हट्टा कट्टा है। पीछे तस्वीरों में देखिए और भी जो घोड़े हैं, देखिए घोड़े का जो एक तरीके से जो डेमो है वो दिया जा रहा है और लोगों की भीड़ आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है इस घोड़े का जो रेस है उसका आनंद ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल एकदम चेतक के रफ्तार की तरह, बिल्कुल धूल उड़ाते हुए घोड़े जो है वो यहाँ पे अपना दमखम दिखा रहे हैं। सभी जो व्यापारी है जो यहाँ पे अपने घोड़े का कीमत लगाने आए हैं, अपने घोड़े को जो बेचने आए हैं, वो अपने घोड़े का शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि एक तरीके से दिखा रहे हैं। और देखिए घोड़े का जो रेस है वो हो रहा है और जितने भी यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, पर्यटक पहुँचे हैं, वो आनंद ले रहे हैं इस घोड़े का। और देखिए हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या सच में वो घोड़े खरीदने आए हैं और अगर घोड़े खरीद रहे हैं तो क्या कुछ देखते हैं घोड़ों में, क्या कुछ खासियत, क्या कुछ एडवांटेज, क्या कुछ फीचर्स जो आप कह सकते हैं कि वो देखते हैं और तब जाके घोड़े को ख़रीदते हैं। तो बाबा है यहाँ पर, काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? जयप्रकाश दास। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। घोड़े खरीदने आए हैं या बेचने आए हैं? नहीं, ऐसे देखने आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली। वैशाली? वैशाली से आए हैं। तो कितना आनंद मिल रहा है ये दृश्य देखते हुए? बहुत आनंद है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एशिया का सबसे टॉप मेला है, समझे? जी बिल्कुल, एशिया का सबसे टॉप मेला है जी। और यहाँ घोड़ा जो है से एक से एक प्रदर्शनी में आया हुआ है। हम तो आए हुए हैं राघोपुर से, तेजस्वी जी के क्षेत्र से। तेजस्वी जी के क्षेत्र से राघोपुर से, सनोज कुमार पंचायती राज प्रकोष्ठ के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, राजद के? राजद के कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए राजनीतिक बात हम बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए कि कोई घोड़ा पसंद आया कि नहीं? इसलिए आए हैं घोड़े पसंद करने के लिए कि घोड़ा कोई भी पसंद हो जाएगा तो घोड़ा ले लेंगे। ले लेंगे घोड़ा पालना? आपको पहले भी घोड़ा पाले हैं? नहीं, पहले तो नहीं पाले थे लेकिन शौक हो गया है कि घोड़ा पालेंगे। घोड़ा पालेंगे? हाँ। क्या बजट है? घोड़ा पालने से कोई बजट नहीं है लेकिन जानवर तो बजट रखे होंगे ना कि इतना तक में? जैसे बजट लेने का? हाँ? लेने का कोई नहीं है, जैसा घोड़ा होगा वैसा ले लूंगा। जो पसंद आ जाएगा, पाँच लाख का हो चाहे 12 लाख के ना हो लेकिन ले लूंगा, समझे? चलिए देखिए और भी लोग है, चलिए इनसे हम बात करेंगे। 2 मिनट रुके भैया, 2 मिनट रुके। देखिए घोड़े थोड़ा अभी यहाँ पे काबू से बाहर हो चुके हैं इसलिए थोड़ा नज़दीक जाना भी थोड़ा ख़तरनाक है। देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पे आनंद ले रहे हैं घोड़े का। क्या नाम हुआ? वत्सल्य सिंह। वत्सल्य सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सोनपुर। सोनपुर से ही? अच्छा, पीछे पीछे छोटा घोड़ा के पास। तो कैसा लग रहा है घोड़े का रेस देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए और भी यहाँ पे, देखिए ये छोटा घोड़ा है, जानना चाहेंगे कौन से नस्ल का घोड़ा है भैया? ये सिंधी है। सिंधी? सिंधी यानी मतलब पंजाब? जी, पंजाब का घोड़ा है। हाँ। नाम क्या है इसका? इसका संजाब। संजाब? संजाब बोलते हैं, संजाब बच्ची है। अच्छा, संजाब। ये ऐसा नाम क्यों रखे? ये कलर संजाब है इसका। अच्छा, ये कलर संजाब? हाँ, मतलब हाँ, कोई रंग होता है सफेद? हाँ, रंग का संजाब बोलते हैं, पंजाबी भाषा है ये। जी, क्या? जी, अच्छा, कितना उम्र है इसका? कितना इसका उम्र? 3-3.5 महीने की है बस जी। काफी फुर्तीली लग रही है।
जी बिल्कुल। क्या गति है इसका, कीमत? हाँ नहीं, गति गति कितने गति से दौड़ती है? अब इसकी तो कोई पता नहीं है। हाँ ये तो बच्ची अभी भी क्या दौड़ेगी ये। क्या कीमत क्या रखे? कीमत है इसकी 85,000 रुपए। 85,000? जी। बिक जाएगा आपको लग रहा है? बिक जाएगा, बिकेगा क्यों नहीं, बिकने के लिए तो आए हैं। हर साल आते हैं हम। अच्छा पिछले साल कितना का आपका ये हुआ था? पिछले साल 14-15 नग बेचे थे यहाँ पे। 14-15 लाख नग? नग, अच्छा जी। तो कितना का टोटल कलेक्शन कितना हुआ था? हो गया होगा करीबन 10-12 लाख रुपए का। 10-12 लाख जी। और घोड़े को पालने पोसने में, बड़ा करने में कितना खर्चा लगा? नहीं हमारा तो व्यापार है, हम हाँ? खरीद के लाते हैं ना, बेचते हैं, सेल करते हैं। हाँ तब भी घोड़े पालते नहीं है। अच्छा आप भी किसी और से खरीद के लेके आते हैं और उसमें जो कमीशन जो बना? जी जी बिल्कुल। तो उसमें कमीशन कितना बना 14 लाख में? अब ये नहीं कुछ बताने का होता है। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं एक आमदनी हो जाती है अच्छी खासी। तो इसका क्या कीमत बताए? 85,000 रुपये। 85,000 मोल भाव तो होगा ना? जी मोल भाव तो होगा ना। हाँ 60-65 में हो जाएगा इसका। इसकी इसके बच्चे भी है? यही बच्ची है। अच्छा अभी ये बच्ची है, अभी इसका ब्रीडिंग नहीं करवाया? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कम से कम 2-2.5 साल पे कराते हैं क्रॉसिंग। अच्छा घोड़े के उम्र को कैसे पहचाना जाता है जरा बताएंगे? ओ वाह बोलवा दियो। घोड़े के उम्र को कैसे पता करते हैं? अभी थोड़ी कैसे कि दांत दांत कैसे कि दांत देख के पता किया जाता है? तो इसका दांत से दांत दिखा सकते हैं क्या? अभी चौकड़ी है, जैसा योगी से चौकड़ी है, दो दांत पेट से आते हैं जन्म से। अच्छा जन्म लेती है जब। अच्छा तो टोटल कितना दांत था? 4 दांत है। 4 दांत है हाँ, चौकड़ी मतलब चौकड़ी बोलते हैं। अच्छा और दांत आएगा इसका? हाँ हाँ चकड़ी हो जाएगी। टोटल कितना दांत हो जाता है जब घोड़ा पूरा बड़ा हो जाता है? टोटल मुंह में 6 दांत रहते हैं। अच्छा पर वो टूट जाता है तो 2 दांत हो जाती है, फिर चौथा टूटता है तो 4 दांत हो जाती है, फिर पांचवा टूटता है वो पंज हो जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें नाल भी लगा हुआ है? हाँ नाल नहीं लगा, घोड़े का लगता है बड़े के उम्र के। अच्छा अच्छा, हाँ बच्चे का नहीं लगता। बच्चे का नहीं लगता। कहते हैं कि घोड़े के नाल का काफी शुभ माना जाता है। काले घोड़े की? काले घोड़े की हाँ बिल्कुल, आल माना जाता है। क्यों ऐसा पता नहीं, ये वो पहले से ही चला आ रहा है। तो आप लोग भी नाल लगा के देते हैं या फिर ऐसी देते? नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसी बेचते हैं, नाल नहीं लगाते। अच्छा 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 जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आगरा के रहने वाले हैं। आगरा के रहने वाले हैं, कब से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीबन हो गए 10 साल। टोटल कितने घोड़े लेके आए हैं? हम 18 लेके आए थे, अभी 10 बचे हैं। 8 बेच भी दिए? जी। कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट तो कुछ पता नहीं, अब तो बाद में पता चलेगी कितना हुआ। 8 बेचे तो कितना कितना में बेचे, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम 75,000 में गया और 80 में गया, 50 में भी गए, 55 में भी गए, ऐसे गए। तो मतलब चलिए आपका धंधा अच्छा चल रहा है। जी जी। अभी तो मानते 3 से 4 दिन हुआ ही। सुस्त है ये साल। हाँ बहुत गिराकी कम हो रही है। काफी भीड़ लग रही है, मुझे तो काफी भीड़ दिख रही है। और है, अभी तो 3-4 दिन हुआ है मेले को शुरुआत हुए और अभी आप 8 घोड़े 24 तारीख को आए थे हम। हाँ 25 से तो मेला शुरू हुआ है, तो अभी 4 दिन में आप इतने घोड़े बेच दिए, आप कह रहे हैं? अरे 2-3 दिन में सारे बिक जाते हैं, 18 भी बिक जाते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, उम्मीद है कि सारे घोड़े बिक जाएंगे। चलिए और भी देखिए भीड़ देख सकते हैं, कितना भीड़ है यहाँ पे। आप कहाँ के लोकल लग रहे हैं आप? लोकल के तो नहीं है। कहाँ है? लखनऊ के रहने वाले। लखनऊ के रहने वाले हैं। तो यहाँ क्या घोड़े बेचने आए हैं, लेने आए हैं या फिर बेचने आए हैं? जी बेचने। कितने घोड़े हैं? मेरे पास तो हैं 10 हैं। दिखाएंगे कहाँ है? दिखाएंगे मेरे उस तरफ बंद। चलिए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। चलिए तो लखनऊ से कब आए आप पटना? हम आए थे 24 तारीख। अच्छा 24 तारीख को? जी। बाई ट्रेन? बाई ट्रेन नहीं, गाड़ी लेके आए, फिर ट्रक है। अच्छा ट्रक पे ही सारे घोड़े को लेके आए? कितने घोड़े हैं टोटल? टोटल अभी मेरे पास 6 हैं, बाकी लाए थे 10-12 बेच दिए। अच्छा 10-12 लेके आए थे, अब मतलब 6 बिक भी गया। हाँ चलिए, कितने उम्र क्या है लगभग घोड़े का? उम्र सब जैसे है मेरे पास, अभी मेरे पास 6 हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कीमत रखे हैं? अरे मेरे पास सब एक के ऊपर के हैं। सब 1 लाख के ऊपर का? 1 लाख के ऊपर का घोड़ा है सब? अरे वाह, तो काफ़ी आप लगता है कि आपका फैमिली बिजनेस है या फिर और भी कुछ काम करते हैं? ये सब बने ये है। हाँ ये सब बने हैं सब। अच्छा ये सारे घोड़े आपके हैं? बेच दिए। ये इतने 5-6 घोड़े जो दिख रहे हैं सब आपके हैं? सब सब सब। ये घोड़े और घोड़ी कितने हैं इसमें? घोड़ी एक भी नहीं है, सब घोड़े ही हैं। सब घोड़े हैं? सब घोड़े। तो बचपन से आप ही पाल के इसको बड़ा किए? नहीं यार, दूसरे से लेके आते खरीद के। अच्छा आप खरीद के लेके आते हैं? दूसरे से खरीद के लेके आते हैं तो देने के लिए अपना। आप कितना में खरीदे थे? अरे वो सब मत पूछो, खरीदने बहुत लग जाता है लेकिन भाड़ा किराया लग के बहुत लग जाता है। अच्छा अच्छा, राजस्थान से लाया था, कछ भूज पड़ता नहीं है। राजस्थान का घोड़ा है जी? वाह,
तब तो काफी दम होगा इसमें। हाँ दम तो होता तभी तो। इसका बाल वगैरह भी नहीं ट्रिम किए आप? कुछ नहीं ट्रिम नहीं, वैसे अच्छा लगता, भौका ही लगता है। अच्छा लगता है ऐसे। हाँ इसे अच्छा लगता है, बाकी घोड़ा कहीं रखते लेकिन हम लोग रखते हैं। क्या खासियत है इसका? क्या अभी नाकन बच्चा चलता है घोड़ा 28-30? हाँ अभी बच्चा ही। अच्छा उम्र मतलब मैक्सिमम कितना उम्र रहता है? 18-19 महीने का बच्चा अभी है। उम्र मतलब टोटल कितना उम्र? अरे वो तो कितना उम्र तक आदमी कोई भरोसा नहीं, तो जानवर है जो अच्छा से पाले वो। हाँ जिसे 5 साल 6 साल भी चल जाता। हाँ इसे ही लगभग। अच्छा, क्या कीमत है इसका? इसका मांगते तो मांगने के 1,75,000 मांगते। 1,75,000? अच्छा बहुत अच्छा। नाम क्या है इसका? नाम नहीं रखते हम लोग घोड़े का, अभी नामकरण नहीं हुआ है। नामकरण हुआ है लेकिन हम लोग नामकरण नहीं रखते ना, इसे किसान लोग लेके आते जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसे इन लोग भाई किसान है अपने, मिलने चलने वाले हैं, इन लोग से नामकरण ले जाते हैं, अपना पालते पोसते हैं। अब डाइट वाइट खिलाने पिलाने के बारे में उनसे जानकारी। पुराने एक घोड़े को पालने पोसने में भी काफी मेहनत लगता है, क्या कुछ खिलाते हैं इसको? खिलाने हम तो बेगा हमारा व्यापार का, हम चोकर भूसा खिलाते हैं इनको। चोकर भूसा बस, तो उससे क्या घोड़े ये? हाँ पेट भरा रहता है इनका, मैं खाने में तंदुरुस्त रहता है। चोकर भूसा वैसे भी सब घर तो खिलाता है, हम भी खिलाते हैं। चना वगैरह भी खिलाते हैं? चना वगैरह किसान लोग खिलाते हैं। जैसे अभी आए मित्र हमारे, इनसे भी मुलाकात कर लीजिए, हमारे यहाँ हर दूसरे इनसे बताएंगे वो डाइट के बारे में। ये माला वगैरह पहना है, काफी सुंदर लग रहा है। ये माला यहाँ का ही नहीं है, कहीं किसी किसी के पास मिलेगा नहीं है। अच्छा अच्छा, कहाँ का है ये? वहीं का ही है, लखनऊ का नहीं, भुज का ही है, राजस्थान का। अच्छा राजस्थान का ही है। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर सिंह। आप यहाँ व्यापारी है या? नहीं मेला घूमने, ये दोस्त मित्र है इन लोग के पास। घोड़ा पसंद आया? घोड़ा सब पसंद है इन लोग का। हाँ अच्छा अच्छा, घोड़ा लाते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। हाँ तो घोड़ा खरीदने की इच्छा है इस बार? नहीं अभी कुछ नहीं है। हाँ घोड़ा तो 5-6 लाख कई लोग लाते हैं, अभी घोड़ा बिक्री भी हुआ है उधर में बांधा हुआ है। अच्छा 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 जी, तो आपकी भी इच्छा होगी? मेरा पास खुद का घोड़ा है ही। कितना घोड़ा रखे हैं? एक है, एक है, एक घोड़ा। हाँ कौन से नस्ल? कौन नस्ल? वही हम लोग, यही लोग हम लोग देता है, सिंधी। अच्छा सब सिंधी? हाँ मतलब पंजाब? नहीं नहीं, कच्छ भुज बलोतरा ये सब। जी जी। क्या खासियत होती है उस घोड़े की? उस घोड़े चलने में बहुत अच्छे होते हैं, सीधा होते हैं। सीधा होते? हाँ जब भी बांधो खोलो कोई दिक्कत नहीं। 2 महीना पर भी यहाँ पर टांग वांग नहीं, वो सब नहीं उठाते हैं। अच्छा, वो सब में वही खासियत है। अच्छा अच्छा, यही खासियत है। हाँ वो घोड़े में। चलिए तो आपको तो घोड़े की काफी जानकारी होगी, इस घोड़े के बारे में कुछ बताए हमें, ये कौन से नस्ल का घोड़ा है जरा बताएंगे हमें? सिंधी नस्ल का ये भी। अच्छा मेल है? मेल है? हाँ हाँ हाँ। नाम क्या है इसका? नाम वो क्या रखेंगे जब बिक्री होगा, जिसके पास जाता है वो लोग नाम रखते हैं, हम लोग थोड़े रखेंगे। हाँ क्या नाम है? अबलग। अबलग? अबलग अबलग का मतलब कलर, क्या होता है? मतलब कलर है। अच्छा कलर अबलग, इसलिए नाम भी अबलग रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो देखिए कितनी सुंदर घोड़े कट काटी आप देख सकते हैं। उम्र क्या होगी इसकी? अभी उम्र 3 साल का है। 3 साल? कमी का है, कमी का है। अच्छा अच्छा, तो बच्चे भी होंगे इसके? नहीं इसका कहाँ बच्चा है, वही खुद बच्चा है। 3 साल? हाँ अभी 3 साल ही बच्चा क्या? 18 महीने का, 18-17 महीने का ही है ये, सामने खड़ा है ना, मतलब 1.5 साल वो हुआ। हाँ ये 3 साल मतलब एक तरह से बच्चा ही कहलाता है। जब जवान होंगे 5-6 साल में जवान होते हैं। अच्छा 5-6 साल में जवान होते हैं। हाँ तब उसका ब्रीडिंग करते हैं। हाँ फिर ब्रीडिंग करवाओ, कुछ भी करो इनसे कोई मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कीमत इसकी रखे है भाई? कीमत तो मांगने वाली बहुत, दूसरे बहुत कुछ मांगने, लेकिन आ जाएंगे दे देंगे। तब भी कितना है? 180। 180 बाकी मोल भाव होगा ही होगा। तो थोड़ा बहुत वाणी बैठता तो आने पर दे देंगे वो तो। हर साल आते हैं? हर साल? कितने साल से आ रहे हैं? अरे हम तो कई साल से, 4-5 साल से आते हैं यहाँ पे। तो हर साल मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट भाई। अच्छी भाई, तो मेला है, मंडी है भाई, सबका होता, हमारा भी होगा। हाँ ऊपर वाला सबको देता, हमको भी देता। अच्छा, है अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका कमाई का जरिया है ये। हाँ भाई वो तो अपना एक आदमी का। हाँ कुछ दिन का घर का खर्चा वगैरह सब चल जाता है। चलिए तो देखिए तस्वीरों में और भी देखिए हमारी दाएं ओर देखिए कितने सुनहरे घोड़े हैं और काफी सुंदर लग रहे हैं, कट काटी भी है। हमको लगता है सब 3 से 4 साल के होंगे ये। ना, 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 ना। ये भी 17 महीने का ही है। अच्छा अच्छा, चलिए डेढ़ से दो साल से लेकर 3 साल तक के घोड़े हैं। अब देखिए पीछे भी आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं घोड़े के, बछड़े जो आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं और काफी सुंदर लग रहे हैं। तो घोड़े का जो बाजार है सोनपुर मेला में वो लग के तैयार हो चुका है। व्यापारी ना ही सिर्फ बिहार से बल्कि बिहार के बाहर से पूरे देश भर से जो व्यापारी है वो आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस घोड़े बाजार का। रेस भी हो रहा है तो लगातार रेस का जो मजा है वो ले रहे हैं और कई बाहर से, गुजरात से, पंजाब से और बहुत दूर दूर से जो व्यापारी होते हैं अपने घोड़े को लेके आते हैं, उनकी खासियत बताते हैं और कहते हैं कि घोड़े की उम्र उनके दांत से पता करते हैं। तो काफ़ी
सुनहरा ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दृश्य है। घोड़े बाजार में हम मौजूद है, सोनपुर मेला में मौजूद है। आपको सारी जानकारी दिए कि घोड़े अगर आपको खरीदने हैं तो उससे पहले घोड़े में क्या कुछ खासियत, कैसे आप घोड़े की उम्र पता करें, वो भी आपको हमने वीडियो में बताया। और भी आगे चलेंगे और भी हम जानवरों को दिखाएंगे, क्योंकि ये सोनपुर मेला है, पशु व्यापार के लिए ही जाना जाता है। तब तक के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे जरूर लाइक और फॉलो करें। तमाम खबरों के लिए बने रहे। धन्यवाद।